जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। मैं हूं एजाज कोहली। सब डिविजन मेंडर की तहसील बालाकोट से एक नहायत ही दुखी वाका सामने आया है। गुज़श्ता रोज एक स्कूल टीचर मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करता है और महकमा एजुकेशन है जो उसे सस्पेंड कर देती है। और आज पुलिस स्टेशन गुरसाई में FIR लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इस हवाले से डिप्टी CEO बेंडा कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सर कि गुज़श्ता रोज जोन बालाकोट के एक स्कूल में एक टीचर की जानब से एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का जो मामला है वो सामने आया। इस पे इमीडिएट ZDO बालाकोट स्पॉट पर पहुंचे और इमीडिएट उन्होंने जो कार्रवाई करनी थी कि एक टीचर को जो ये जेब नहीं देता था उसको इमीडिएट सस्पेंशन के लिए रिकमेंड कर दिया गया है। और चूंकि 59 बच्चों पे 7 टीचर वहां तैनात हैं और उनमें से सिर्फ एक ही टीचर मौके पे मौजूद था, इस सिलसिले में बाकी भी 6 टीचरों के खिलाफ जो है वो चार्जशीट लगाई गई है और जो मामला है वो जेरे गौर है। जी नाजरी, आपने देखा कि बालाकोट इलाके से एक ऐसी शर्मनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। एक स्कूल टीचर, आखिर मां बाप भरोसा करें तो करें कैसे जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आएगी। हम सभी टीचर के लिए ये बात नहीं बोलते, लेकिन एक उस्ताद ही अगर दरिंदगी पे उतर आएगा तो आखिर इस समाज का क्या होगा? उन वो बच्चियां कैसे महफूज रहेंगी? फिर कैसे वो सपना, वो ख्वाब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला पूरा होगा? अगर उस्ताद ही जो दरिंदगी पे उतर आएंगे तो कैसे चलेगा? इस हमारी स्टोरी के साथ साथ हम ये जितने भी स्कूल है कम से कम उनके अंदर CCTV कैमरे होने चाहिए, तमाम क्लासेस के अंदर CCTV कैमरे होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर पुंछ व जितनी भी इंतजामिया है वो इस जानब जरूर तवज्जो देकर तमाम स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उनकी क्लासेस में है जो कैमरे लगाएंगे और पूरे स्कूल के गिर्द नवा है जो CCTV कैमरे लगाकर कम से कम बच्चियों को ये हौसला दिया जाए कि हम आपके साथ हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो समाज के खिलाफ होगा। जी नाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अपने मेज़बान एजाज कोहली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।